हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं यश मधु कुकिंग ब्लॉग आपका स्वागत करती हूं। और आप लोग बाहर मत निकलिए, सेफ रहिए, घर में रहिए। कोरोना के टाइम में मास्क लगा कर ही बाहर जाएं। तो यहां पे मैं बना रही हूं मिक्स वेज दाल, सिर्फ आलू और दाल, जो 5 तरीके का जो दाल होता है मिक्स दाल है, और उसमें थोड़ा सा आलू डालकर मैं आज सब्जी की तरह बनाऊंगी, या आप दाल भी कह सकते हैं इसको, मिक्स वेज दाल। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने 2 आलू ले लिया है, 1 प्याज है, और 5 कली है, 4 कली, 3 कली है लहसुन का, और अदरक का टुकड़ा हम, तो ये सारे मैंने ले लिया है। और तो चलिए अब मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस राणा तेरे नाल बेजुरी है, राणा तू पल पल दिल के पास। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने यहाँ पे कुकर को बिठा दिया है। तो कुकर गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल जितना आप तेल डालते हैं उसके हिसाब से आपको डालना है। तो मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ, मतलब आधा जो चम्मच होता है बड़ा, उससे आधा चम्मच डाली हूँ। तो उसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ा सा इसमें मेथी, जीरा है, जीरा और मेथी और सरसों है, थोड़ा सा उसमें डाली हूँ, इस तड़के में डाली हूँ। एक तेज पत्ता होता है वो डाल दूँ, जिसको हम चाय पत्ता भी बोलते हैं, जो चाय में डालते हैं। तो मैं आज ऐसी रेसिपी आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास सब्जी ना हो घर में तो आप ऐसे बना सकते हैं। और लॉकडाउन का टाइम है तो सब्जी तो मिलता ही नहीं है जल्दी, तो इसलिए आप दाल को आलू में या कोई भी सब्जी में मिक्स करके बना सकते हैं। तो मैं आज ऐसी रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूँ। तो मैं इसमें प्याज, लहसुन, अदरक जो भी मैं रखी थी काट के उसमें डाल दिया है मैंने, और इसको थोड़ा सा सब्जी की तरह इसको बना लेंगे, मतलब जो भी आलू है इसको भी फ्राई कर लेंगे साथ में। और टमाटर है, एक टमाटर मैंने डाल दिया है इसमें। और उसके बाद मैं आलू गरम मिक्स कर आलू भी डाल दी हूँ इसमें। तो अब मैं मसाले डालती हूँ। तो आधा चम्मच है लाल मिर्च पाउडर, और हल्दी डाल दी हूँ आधा चम्मच, और इसमें थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, 1 चम्मच नहीं है, मतलब हाफ चम्मच है। उसके बाद ज़्यादा मसाला कुछ नहीं डालना है इसमें, मैं सिर्फ 2-3 मसाले ही डाली हूँ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, उसके हिसाब से डालना है। और लास्ट में थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दूँगी। तभी मैं नमक डाल दी हूँ, जितना मुझे चाहिए नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। तो मैं इतने ही ये मसाले डालूँगी, और थोड़ा सा ये मैगी मसाला डाल देती हूँ। और उसके बाद इसमें दाल को डाल देते हैं, और जितना आपको दाल में जितना ग्रेवी आपको चाहिए तो उतना पानी डाल लेना दाल में, और फिर उस तरीके से इसको सीटी लगा देना। तो यहाँ से मैं 3 सीटी लगाई हूँ, 3, और ये मिक्स दाल में, मतलब कि जो भी चना दाल ज़्यादा मैं डाली हूँ इसमें, और 3 सीटी में ये मेरा बनके रेडी हो जाएगा। और मेरे वीडियो को आप लोग फुल वॉच किया करिए फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको भी सपोर्ट करूँगी, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा मैं उसको भी सब्सक्राइब करूँगी। तो आप लोग सोच लेना क्या करना है आपको। तो चलिए यहाँ पे मैं इसमें डाल देती हूँ पानी, और जितना पानी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, मैं एक लुक दिखा देती हूँ आपको। तो ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है, और यहाँ पे मेरा दाल बनके रेडी हो चुका है, दाल या सब्जी जो भी बोल लीजिए। तो मिक्स सब्जी दाल मेरा तैयार है, रेडी हो चुका है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।